हाय, दिस इज कुशल शर्मा। और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर होगा फोर्थ, जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। हमें पांच पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल रिजल्ट देता है। तो एक्चुअल में ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर दो एंगल लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए साइन 60 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, बी को हम 30 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। सो ऐसे में ये देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आ रहा है। सो देखिए, साइन ए प्लस बी मीन्स 60 प्लस 30 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 एक्चुअल में हमारे पास रिजल्ट देता है 1। अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड में देखिए साइन ए जो कि 60 डिग्री है प्लस देन साइन बी इज 30 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारे पास है रूट 3/2 और ये 30 पर देता है 1/2। इनका एलसीएम ले तो ये हमारे पास कितना है रूट 3 प्लस 1/2। सो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप नोटिस करेंगे, ये ग्रेटर देन 1 रिजल्ट आएगी। यहाँ बेसिकली तो हमें क्या देखना है, इक्वलिटी देखनी है। इक्वलिटी का मतलब है कि ये वैल्यू 1 के इक्वल रिजल्ट नहीं दे रही है। इट मीन्स हम ए प्लस बी एंगल को इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट आ गई फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इस चीज के लिए हम सिंपली अपने वही पांच एंगल्स लेकर चलते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री जो कि कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना आ रहा है 1। तो यहां एक चीज नोटिस कीजिए कि हमारा जो एंगल है थीटा, वो देखिए वो इंक्रीज कर रहा है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। तो क्या उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। पहले देखिए 0 थी, 90 तक आते आते वो क्या बन गई 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ हम अगर हम बढ़ रहे हैं, इट मींस वो एक इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेम पार्ट एक्चुअल में थर्ड है, लेकिन उसमें साइन के रिप्रेजेंट में हमें कोस को चेक करना है, क्या कोस सेम इसी तरह से रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें आप कोस को चेक कीजिए, देखिए कोस 0 डिग्री जो कि 1 होता है, देन कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री जो कि कितना होता है 1/2, एंड द कोस 90 डिग्री वो हमारे पास कितना आता है 0। तो इसमें देखिए हमारे पास एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, पर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि यहां पर कोस वाली कंडीशन में अगर थीटा इंक्रीज करेगा, यानी कि एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो कोस की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। यहां ऑपोजिट हो गया और साइन वाली कंडीशन में क्या था, मैच कर रहा था, इंक्रीज कर रहे एंगल तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि साइन थीटा एंड कोस थीटा थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल रिजल्ट देते हैं। ये एक्चुअल में हमने रफ कर दिया, हम उसी का यूज कर सकते थे या आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, आप कोई एग्जांपल के तौर पर एंगल लेकर चलिए, 30 डिग्री ही लेकर चलते हैं, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 देखिए, साइन 30 कितना होता है 1/2, जबकि कोस 30, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। क्या दोनों सेम एंगल पर इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये हर किसी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल होते हैं, लाइक कोस 45 एंड
साइन 45 डिग्री, दोनों की ही वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है। तो अकेला 45 डिग्री ऐसा है जहां पर साइन और कोस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि हमें ये बताना है कि कोट 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड रिजल्ट देता है, ठीक है। तो कोट की एक रिलेशन को लेकर चलते हैं, वो रिलेशन हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसको अगर आप ट्रायंगल कंप्लीट करके भी करते हैं तो भी वो किया जा सकता है, अगर आप टेबल का यूज करें तो टेबल पे आप नोटिस करोगे कि कोट 0 डिग्री एक्चुअल में 1 बाय 0 के इक्वल होता है। लेकिन ये 1 बाय 0 आया कहां से था, आपको बता दें कि कोट जो होता है वो कोस अपॉन साइन के इक्वल होता है और इनके एंगल दोनों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1 और साइन 0 0 और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इट मींस ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जिस 0 डिग्री होने की वजह से कैसे स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट।